पीएम मोदी ने 71 मंत्रियों के साथ शपथ ली और उनकी कोर टीम कैसी है, कोर टीम का कौन है, ये कोर टीम जो पीएम मोदी की बहुत अहम टीम है, इसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि पीएम मोदी की जो कोर टीम है उसमें कौन कौन से लोग हैं, क्या कुछ बदलाव किया गया है या क्या है, और वो कोर टीम क्या काम करती है, आपको इस वीडियो में हम नरेंद्र मोदी की कोर टीम से मिलवाने जा रहे हैं। तो बात करेंगे हम CCS की, यानी कि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की, जो उस मंत्रालय में जो CCS है, जो ये कोर टीम है पीएम की, उसमें जो केंद्रीय मंत्रिमंडल की सुरक्षा संबंधी समिति है उसमें गृह, रक्षा, वित्त और विदेश मंत्रालय शामिल होते हैं। यह सुरक्षा संबंधी मामलों पर फैसला लेने वाली देश की सर्वोच्च समिति होती है। मसलन इस कार्यकाल में गृह मंत्रालय का कार्यभार जैसा अमित शाह के पास है, इसके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ही हैं, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है और विदेश मंत्री एस जयशंकर हैं, यानी कि इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं किया गया है। पीएम मोदी के पास अपना कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन मंत्रालय, परमाणु ऊर्जा विभाग, अंतरिक्ष सुरक्षा, सभी महत्वपूर्ण नीतिगत मुद्दे और इसके अलावा जो विभाग किसी मंत्री को नहीं दिए गए हैं पीएम मोदी ने अपने पास रखा है। CCS क्यों अहम है ये जानिए। CCS जो है वो राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी फैसले लेने में अपनी भूमिका की वजह से बहुत अहम समिति माना जाता है कैबिनेट की। बीजेपी सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा मामलों पर अपना प्रभाव बनाए रखने के लिए 4 प्रमुख CCS मंत्रालयों पर अपना नियंत्रण रखा है। ऐतिहासिक रूप से CCS की संरचना भारत की सुरक्षा विदेश नीति में एक अहम भूमिका निभाती है। इसकी सदस्यता में बदलाव को आमतौर पर सत्ता के माइंडसेट में बदलाव के रूप में भी देखा जाता है। CCS में ये मंत्री होते हैं, जैसा कि हमने बताया, रक्षा, गृह, वित्त और विदेश, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, कैबिनेट सचिव, रक्षा सचिव भी CCS की बैठकों में हिस्सा लेते हैं। CCS का काम है रक्षा संबंधी मुद्दों से निपटना। उदाहरण के तौर पर जनवरी 2021 में CCS ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से तेजस मार्क 1A लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट की खरीद को मंजूरी दे दी थी। कानून व्यवस्था और राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित मुद्दों से निपटना समिति भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ाने के लिए समय समय पर की जाने वाली विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करती है। भारत की सुरक्षा को प्रभावित करने वाले अंतर्राष्ट्रीय सौदों से संबंधित मुद्दों पर चर्चा, राष्ट्र की सुरक्षा के इर्द गिर्द घूमने वाले राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा होती है, उससे निपटा जाता है। राष्ट्रीय सुरक्षा तंत्र की आवश्यकता का मूल्यांकन करती है और राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ाने के लिए जरूरी परिवर्तन भी करती है। राष्ट्रीय उत्पादन विभाग और रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग के संबंध में 1,000 करोड़ रुपए से अधिक के पूंजीगत व्यय से जुड़े सभी मामलों पर इसमें विचार भी होता है। परमाणु ऊर्जा से संबंधित मामलों पर चर्चा करती है और उससे निपटने का काम करती है। तो कुल मिलाकर पीएम मोदी की ये जो कोर टीम है, जिसमें गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, वित्त और विदेश शामिल है, ये पूरी तरह से उनकी अपनी वही टीम है जो 2019 की टीम थी। NSA भी वही है, अजीत डोवाल साहब। तो ऐसे में जो नीति निर्धारण है, जो फैसले लेने हैं सुरक्षा के मामलों में, उसमें कहीं भी आपको कमी आती हुई नहीं दिखाई देगी, क्योंकि टीम वही पुरानी है और जो काम लगातार हो रहा था उसमें और तेजी आने की उम्मीद की जा रही है। कैसा लगा आपको ये वीडियो, कमेंट करिए। देखते रहिए भारत तक।